हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन सब टॉपिक्स, डायरेक्टर सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर सर्कल, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, एंड दिस डेफिनेशन विल बी वैलिड फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल, ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेफिनेशन है। हाँ, इक्वेशन चेंज होते जाएगी। सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल कुछ और होगा, पैराबोला के लिए कुछ और होगा, एलिप्स के लिए कुछ और होगा, हाइपरबोला के लिए कुछ और होगा। सबको एक एक करके देखेंगे जैसे जैसे उनका नंबर आते जाएगा। पहले तो सर्कल के बारे में समझते हैं। तो ये एक सर्कल है, इस पे मैंने किसी पॉइंट पी, लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल दिया एच कॉमा के, क्योंकि हमको इसका फाइंड करना है लोकस। तो यहां से हमने टेंजेंट्स बनाई और ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। अब क्लियरली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये पॉइंट पी को मैं इस सर्कल के, ब्लू वाले सर्कल के क्लोज लेके गया तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और दूर लेके गया तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मुझे ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रखना है तो इस पॉइंट की दूरी इस सर्कल से हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पी का पाथ है वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर वही होगा जो ये ब्लू वाले सर्कल का है, मतलब ब्लू वाला सर्कल एंड दी व्हाइट वाला सर्कल विल बी कोसेंट्रिक। अब इक्वेशन आएगी क्या वो पहले देख लेते हैं। इन केस ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज अ कोसेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस रूट टू टाइम्स। अगर सर्कल की इक्वेशन ये है, इसका सेंटर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, रेडियस आर, तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर भी x नॉट कॉमा वाई नॉट होगा, और रेडियस क्योंकि उसकी रूट टू आर है तो यहाँ पे रूट टू आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। इसको प्रूफ करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले ये समझ लो कि हाँ भाई ये इक्वेशन आई है, अपने को ये याद रखना है कि कोसेंट्रिक सर्कल है और रेडियस क्या है, रूट टू टाइम्स है। अब इसको प्रूफ करेंगे हम दो मेथड से। एक तो पहले ये ज्योमेट्री वाला जो हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ये व्हाइट वाला सर्कल जो होगा ये डायरेक्टर सर्कल होगा, तो कोसेंट्रिक है, सेंटर तो पता चल गया एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज रेडियस निकालना, रेडियस निकाल लेते हैं बड़ा इजीली। अब ये ब्लू वाले सर्कल की रेडियस आर है, और क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, इसको मैंने डी बोल दिया। तो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, साइन 45 मतलब 1/√2, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, है ना भाई, ये तो 90 डिग्री होगा ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन किया सर्कल के केस में तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये आर बाय, ये हिपोपोटेमस हो गया इसका। तो यहां से हमारे पास आ गया कि डी जो है, मतलब ये व्हाइट वाले सर्कल की रेडियस, वो आ गई √2r एंड That's done. ये बहुत ही सिंपल था सर्कल के केस में। यस, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रूव दिस एंड इट इज वेरी सिंपल। लेकिन इसका एक और मेथड है जो कि जनरल मेथड है। जनरल मेथड मतलब वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए वैलिड है और हमें ध्यान भी रखना है, उसके अपने आप में अलग इंपॉर्टेंस है, सो डोंट इग्नोर दैट पार्ट। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करके हम उसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, हमको ये पता है कि सर्कल के केस में स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अब स्लोप फॉर्म क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर बात हो रही है परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब स्लोप से रिलेटेड बात। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फॉर द सर्कल, दिस इज y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट प्लस माइनस r टाइम्स रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। अब ये टेंजेंट कहां से पास हो रही है?
ये टेंजेंट पास हो रही है पॉइंट पी विच इज एच कॉमा के, तो एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वाई की जगह आ गया के, ये क्वांटिटी को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस एम टाइम्स एच माइनस एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं के माइनस वाई नॉट को कैपिटल ए से डिनोट करूंगा और एच माइनस एक्स नॉट को कैपिटल बी से डिनोट करूंगा और दोनों तरफ अब मैं कर दे रहा हूं स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करके यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू एम ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आ गई m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब इसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स कौन से होंगे सोच सकते हो क्या? एक होगा इस वाली टेंजेंट का स्लोप और दूसरा होगा इस वाली टेंजेंट का स्लोप। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ही टेंजेंट h, k से पास कर रही है, दोनों ही टेंजेंट इस वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो अगर m1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो m2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। Does this makes logical sense to you? Yes, it should be. अब हमें चाहिए कि ये दोनों tangents perpendicular हो। तो अगर एक tangent का slope m1 है और दूसरे tangent का slope m2 है, तो product of slope क्या होता है? Minus one. तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। इस केस में product of the roots, roots क्या है? m1 m2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? सी बाय ए। सी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए विच इज दिस एंड बिकॉज द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस वन। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r square। a हमने लिया था y minus y naught, b हमने लिया था x minus x naught। तो substitute करके तो ये आ गई हमारे director circle की equation जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी। Obviously the method 1 is far better than method 2, but method 2 की अपने आप में utilities हैं। ये प्रूफ जो मैंने आप लोगों को बताया है ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बताया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पहले स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखा, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को माइनस वन के इक्वल कर दिया। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग ये प्रूफ को भूल गए या इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो अभी तक के, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। चलिए पहले तो ज्योमेट्री पे बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तीन मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स फोर वाई माइनस 19 इक्वल टू जीरो। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। अब देखो ये सर्कल है जिसका सेंटर है माइनस वन कॉमा माइनस टू और इसकी रेडियस आ गई रूट सिक्स। ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ये रेडियस तो रूट सिक्स है, इसको अपन ने डी बोल दिया। सिंपल सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट सिक्स। लॉजिक वही कि अगर मैं इस पॉइंट को इस सर्कल के क्लोज लेके गया तो एंगल बढ़ जाएगा, दूर लेके गया तो एंगल कम हो जाएगा। मुझे चाहिए फिक्स एंगल 60 डिग्री ये दोनों के बीच में। तो ये जो पॉइंट का पाथ होगा वो सर्कुलर होगा विद द सेंटर सेम एज
दिस, तो रेडियस तो हो गई 2√6, सेंटर हो गया -1, -2, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, या ये बोलो कि हमारे लोकस की इक्वेशन आ गई, x+1√2y+2√6 का स्क्वायर बोले तो 24। सिंप्लीफाई करो, ये आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? पहले पार्ट का आंसर आ गया 2x²-xy=32, और दूसरे पार्ट का आंसर आ रहा है 3x²+y²=64। जिन लोगों के दोनों आंसर करेक्ट आ गए हैं, सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। जिन लोगों का नहीं आया, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस सर्कल के लिए स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट विल बी दिस। अब जैसा फोटो बना के मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये टेंजेंट पॉइंट से पास कर रही है H, K से, तो H, K इसको सेटिस्फाई करेगा। इधर आ जाएगा K, इधर आ जाएगा H, इस साइड लेके गया, दोनों तरफ कर दूंगा मैं स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करके जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा K²+m²h²-2mhk=16+16m². चीजों को जरा प्रॉपरली लिखा तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है h²-16, ये आ गया +k²-16=0। अब ये m में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार हमको चाहिए सम ऑफ देयर स्लोप 4। सम m1+m2 किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो -b यहाँ पे कितना हो गया? 2hk। और a कितना है? m स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सम ऑफ द रूट से बोले तो 2hk/h²-16, ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 2h²-32=hk। h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू c/a। h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब अगर आपने जो सेकंड मेथड वाला प्रूफ नहीं समझा होता, उस पर नहीं ध्यान दिया होता, तो ये जो क्वेश्चन है जो कि इजीली थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सॉल्व हो गया, उसमें परेशान हो जाते। और ये तो बहुत जरूरी है, एज आई सेड दैट दिस इज द जनरल मेथड। ये सर्कल में तो यूज हुआ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सिर्फ यही वाला मेथड वर्क करेगा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। समझ रहे हो ना बात को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। बहुत ही सिंपल, लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट? भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उससे मैंने सर्कल पे टेंजेंट बनाई, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये उसका दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पी ए बड़ा होगा कि पी बी बड़ा होगा? दोनों इक्वल होंगे ना भैया। तो ये जो है ना लेंथ, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट पी से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की दूरी को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू आती है √S1। याद है S1 क्या होता है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर देने का। सिंपल प्रूफ इसका, बहुत सिंपल। हमें सर्कल की इक्वेशन पता है, मतलब सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस पता है, पी पॉइंट पता है, सेंटर पता है, ये पिंक वाली लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हमको निकालना है पी ए की लेंथ, ये पता है, ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिंदाबाद। इजीली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, थोड़ा बहुत
रीअरेंज करने के बाद। तो चलिए भाई, बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का आंसर आया है 6, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गलत जवाब है। सही जवाब है 2√3। भाई जिन लोगों का आंसर 6 आया है ना, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 करने के लिए पहले तो हम इसको 3 से कर देंगे डिवाइड। अब S1 निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो तुम 2,3 इस एक्सप्रेशन में। सो दिस विल बी 4 + 9 - 8/3 + 5 - 10/3 = 6 = 12। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी √S1 विच इज इक्वल टू √12, बोले तो 2√3। सिंपल, गलती मत करना भैया। S1 समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में ही सब्स्टिट्यूट करने का है। आगे बढ़ते हैं क्या? चलिए बढ़ते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है भाई? 8। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि किस एरिया की बात करी जा रही है, पहले मैं फोटो बना के वो समझा देता हूं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंड पेयर ऑफ इट्स रेडियाई, मतलब ये दो, समझ गए, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, इसको मैंने सी बोल दिया, तो PACB, ये हमको एरिया फाइंड करने का है। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों इक्वल एरिया के होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये एंगल है अपना 90 डिग्री। तो ये वाला जो ट्रायंगल है PAC, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू PA इंटू AC। PA तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, तो PA की वैल्यू आ रही है √ ये 4,5 मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, 16 + 25 = 41 - 16 - 10 - 11 = 2। AC क्या है? रेडियस। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 4 + 1 + 11 = 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू 1/2 × 2 × 4, मतलब 4। इस ट्रायंगल का जितना एरिया है उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया भी होगा। ये भी 4, ये भी 4, दोनों को कर दो एड, आंसर आ गया 8। समझ में आया क्या? ये जो ये परपेंडिकुलर वाली चीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन DPP में है। डिस्क्रिप्शन में DPP की लिंक है, सॉल्व करिएगा, मजा आएगा। वो क्वेश्चन मैंने जिस भी स्टूडेंट को दिया है, आप किसी से भी बात करिए, सब यही कहेंगे मजा आया। और यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? होशियार हो गए हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये सिंपल सा एक चार्ट बना दिया। वैसे तो पता ही है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से कितनी टेंजेंट बनेगी? 2 टेंजेंट बनेगी, S1 > 0। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक ही टेंजेंट बनेगी, और सर्कल के अंदर है तो काई का टेंजेंट भैया, 0 टेंजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हाईली यूजलेस टॉपिक, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कहीं देखने को मिले तो ऐसा नहीं लगे कि यार सर ने तो ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है ना, इसका हम कभी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी नहीं। हो
होता क्या है, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, वैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जो दो टेंजेंट्स बना रहा हूँ इस सर्कल पर, उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इक्वल टू के राइट साइड में जीरो को रख के, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब मैंने इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करी, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करी और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा व्हेन रीअरेंज्ड विल बी इक्वल टू SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व। S1 will be the value obtained by substituting this x1 comma y1. ये जो जहां से मैं tangents बना रहा हूं ना, ये P point, उसके coordinates को substitute कर देंगे तो value आएगी S1 की, obviously that will be positive because this point is outside the circle. T पता है, x square को replace करते हैं xx1 से, y square को replace करते हैं yy1 से, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास pair of tangents. इसका कोई खास यूज नहीं आता है, क्योंकि अगर हमें tangents की equation निकालनी भी रही तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ये इस पर हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई पी पॉइंट से हम स्लोप एम मान के एक लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और सर्कल के सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देंगे, दो वैल्यू एम की आ जाएगी सॉल्व करने पर, और वो दोनों एम की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको इंडिविजुअल टेंजेंट्स मिल जाएगी, तो ये पैर की एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, प्रूफ इसका नहीं बता रहा हूं मैं SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर का, क्योंकि ये लेंथी भी है और मैं बोल भी रहा हूं कि यूजलेस है। देखो भाई, ऐसा है कि प्रूफ तो ये भी लेंथी था बट इट वाज यूजफुल, और वो यूज हमने देख लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाले क्वेश्चन में समझ में भी आ गया हमको कि हाँ भाई वो प्रूफ इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है ना, इसका जो प्रूफ है ना वो यूजलेस है और लेंथी भी है, तो मतलब गुड फॉर नथिंग। तो चलिए फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को 10 मिनट के लिए पॉज करो। अब चलिए भाई, आंसर वांसर तो नहीं लिखते हैं, सीधे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही लंबा सा आंसर आएगा, है ना। तो एस तो हो गया ये, S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, 3,1 सब्स्टिट्यूट किया तो 20, 7। टी का एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया 3x से, प्लस वाई माइनस 20 प्लस 30 माइनस 1, this is equals to 2x plus 3y minus 2. So we have to use SS1 equal to t square. ये आ गया बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन। अब अगर हमें इंडिविजुअल टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो या वाई में क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो, उन सब की जरूरत नहीं है। इट विल बी बेटर कि 3,1 से टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, स्लोप को एम मानकर इस सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दो, बेटर वे में अच्छे से आंसर आएगा, जल्दी आएगा और गलती करने के चांसेस भी कम हैं। यहाँ पे भी गलती करने के चांसेस तो होते हैं यार, इतने लंबे छोटे एक्सप्रेशन को स्क्वायरिंग करना, फिर उसके बाद अगर फैक्टराइज करते बैठोगे तो आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट चॉइस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।